हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, पिछले 25 साल से ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, और अभी पिछले 2, 3, 5 साल से ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले दोनों म्यूचुअल फंड आज हम इस वीडियो में चेक करने वाले दोस्तों। तो आज भी आपने इन्वेस्ट किया कि नहीं दोस्तों, लमसम लगाया कि नहीं आपने, आप देखिए अभी ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो मैंने कल बोला था आपको कि जितना आपके पास पैसा है उसका 10% लगाना था, और अभी आज के दिन भी मार्केट अच्छा खासा गिरा था। तो आपने अगर आज भी पैसा लगाया होगा, कल नहीं लगाया, आज तो लगाया, तो आज भी अच्छी बात है दोस्तों। तो कल और आज दोनों गिरावटें मिल गई आपको, अगर आज लगाया पैसा तो आपको ऐसी गिरावट अगर मिलती है मार्केट में तो छोटा सा अमाउंट लगा देना चाहिए दोस्तों, और छोटी छोटी पूंजी से आपका पोर्टफोलियो बड़ा बनेगा बाद में, और लॉन्ग टर्म में आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा कि कितने रिटर्न मिल गए आपको। तो लॉन्ग टर्म में आप लमसम लगा दीजिए, SIP में आपके लमसम लगाइए। बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी लमसम बंद कर दिया दोस्तों म्यूचुअल फंड ने, क्योंकि उतने उनके पास इतना फ्लो आ रहा है पैसे का कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए लमसम अमाउंट उन्होंने बंद कर दिया अभी, और वो रेगुलर SIP ही की ही अमाउंट लेते हैं। तो अभी देखिए कितना पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड का। तो शेयर मार्केट ऐसे जल्दी ही नहीं गिरने वाला है दोस्तों, तो अभी आप फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है तो फुल्ली इन्वेस्ट मत कीजिए, मगर छोटी छोटी अमाउंट लगाती जाइए। ऐसे मार्केट गिरता है तो वहाँ पे आपको छोटा सा अमाउंट लगा देना चाहिए मार्केट में। और अभी देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये सबसे बढ़िया टाइम है दोस्तों। और कौन से म्यूचुअल फंड में वेयर आई इन्वेस्ट, तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो कल भी मैंने लिंक दी थी दोस्तों, आज भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, अगर कल आपने मिस कर दिया तो आज ज़रूर देख लेना। और अभी आपको मैंने बताया पहले ही स्टार्टिंग में कि लॉन्ग टर्म में कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और शॉर्ट टर्म में कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और लगभग 20 से भी ऊपर म्यूचुअल फंड है दोस्तों जो शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न दे रहे और लॉन्ग टर्म में कौन से अच्छे रिटर्न दे रहे, वो दोनों फंड यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। और अभी देख सकते हो म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न्स, तो जिन्होंने SIP की है दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड में, आप देख सकते हो सिलेक्टेड पीरियड 25 ईयर्स, तो 25 साल पहले जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है, सिलेक्टेड अमाउंट 5,000 ही पकड़ी है दोस्तों, और रेगुलर प्लान है ये। और आप देख सकते हो सबसे ऊपर नाम है दोस्तों HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का, ये फंड स्टार्ट हुआ है 1995 में, और इस फंड का AUM देखिए 36,345 करोड़, तो इससे भी ज़्यादा होगा दोस्तों AUM। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे निकाल भी लिया होगा पैसा, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए जुड़ चुके होंगे 25 साल से, इसमें बहुत कम लोग जुड़े होंगे जो 25 साल से अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे बहुत कम गिने चुने लोग मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है सभी के सभी 25 साल से इन्वेस्ट ही कर रहे हैं और पैसा निकाला ही नहीं किसी ने, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा के निकल भी चुके होंगे, बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी आए होंगे, तो ऐसे चलता रहता है दोस्तों इनका फंड। और अभी देखिए अगर आपकी 5,000 की SIP, आप मैंने पहले ही बताया, तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 25 साल में यहाँ पे देख सकते हो कितनी हो रही है, तो 15 लाख रुपीज़ आपकी अमाउंट हो जाएगी, और क्रिएटेड वैल्यू करंट वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 करोड़ की अमाउंट बन चुकी है दोस्तों, 3,07,00,000 रुपीज़ लगभग, और लगभग 20% के CAGR रिटर्न है दोस्तों 25 साल में, 20% के CAGR रिटर्न, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड 1994 में स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और इसका AUM देखिए 11,136 करोड़, और इसमें भी सेम 15 लाख की अमाउंट आपकी इन्वेस्टेड हो जाती 5,000 की SIP से, और यहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ की अमाउंट क्रिएट हो जाती दोस्तों, इतनी बड़ी वैल्यू बन रही है आप देख सकते हो। छोटी सी अमाउंट अगर आप लॉन्ग टर्म लगाते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में भी इसका इफेक्ट आपको दिखेगा, और रिटर्न देखिए 19% के रिटर्न है दोस्तों यहाँ पे लगभग। नेक्स्ट देखिए ABSL आदित्य बिरला सनलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी दोस्तों 1998 में स्टार्ट हुआ है, इसका AUM 17,000 करोड़ का, इसमें भी सेम यहाँ पे 5,000 की SIP से 15 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती, 18.3% के रिटर्न दिए इसने, और यहाँ पे 2,34,00,000 रुपीज़ की यहाँ पे आपकी कुल करंट वैल्यू होती है आपके यहाँ पे SIP की। नेक्स्ट देखिए तारूस फ्लेक्सी कैप फंड, ये 1994 में स्टार्ट हुआ था, और इसका बहुत कम है फंड साइज़ 260 करोड़, और यहाँ पे 14% के रिटर्न मिले, तो 14% के रिटर्न से भी यहाँ पे 15-25 साल में यहाँ पे 5,000 की SIP से 1,18,00,000 बन चुकी है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी 1993 में स्टार्ट हुआ और 441 करोड़ का AUM इनका, और इन्वेस्टेड अमाउंट उतनी ही आपकी, इन्होंने रिटर्न दिए 10.4% के, और करंट वैल्यू है 66 लाख रुपीज़, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LIC ने सबसे घटिया परफॉर्मेंस दिखाया 25 साल में भी। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न लार्ज कैप में, लार्ज कैप में ऐसे कौन से फंड है पिछले 25 साल से काम कर रहे, इसमें भी 5,000 की SIP, तो कितनी अमाउंट इसमें भी देखिए टॉप पे है HDFC टॉप 100 फंड, ये 1996 में स्टार्ट हुआ था, और इसका AUM 24,819 करोड़, इन्वेस्टेड अमाउंट सेम 15 लाख रुपीज़, और करंट वैल्यू 2,22,00,000 रुपीज़, और 18% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 18% के CAGR रिटर्न,
नेक्स्ट है टाटा लार्ज कैप फंड, 1998 में स्टार्ट हुआ है और इनका AUM बहुत कम है, 1557 करोड़। सेम अमाउंट आपकी इन्वेस्ट हो जाती है और यहाँ पे 1.5 करोड़ बन जाते हैं दोस्तों। 15.78% के CAGR रिटर्न दे रहा है टाटा लार्ज कैप। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, ये भी 1993 में स्टार्ट हुआ है, इसका AUM है 6721 करोड़। सेम अमाउंट 15 लाख इन्वेस्टेड हो जाती है और आपका पैसा यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ बन जाता है दोस्तों, और रिटर्न 15.6% की। नेक्स्ट देखिए LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड, 1994 में स्टार्ट हुआ है, 700 करोड़ का AUM है, इन्वेस्टेड अमाउंट सेम 15 लाख और करंट वैल्यू हो जाती है लगभग 85 लाख रुपीज़ की और रिटर्न आपको 12% के मिले दोस्तों। तो आप अगर LIC में जाओगे दोस्तों, किसी भी कितना भी बड़ा प्लान रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो यहाँ पे आपको 6 से 7% के ऊपर रिटर्न देने वाले है नहीं दोस्तों, बहुत बढ़िया आपको समझाएंगे वो लोग। नेक्स्ट देखिए अभी म्यूचुअल फंड SIP मिड कैप फंड, मिड कैप में भी 25 साल से कौन से फंड है ऐसे, और 5,000 की ही SIP कितनी अमाउंट बन जाती। तो अब देखिए यहाँ पे टॉप पे है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 1995 में स्टार्ट हुआ है, इसका AUM है 16,353 करोड़ और इन्वेस्टेड अमाउंट सेम 15 लाख रुपीज़, और यहाँ पे 4 करोड़ देख सकते हो, 22% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों निप्पॉन इंडिया, 22% के CAGR रिटर्न पिछले 25 साल से, और आपकी अमाउंट हो जाती है यहाँ पे 4,28,65 रुपीज़, यहाँ पे 65,888 रुपीज़, तो 4 करोड़ बन जाती है दोस्तों, 28 लाख रुपीज़, 4,28,00,000, आप देख सकते हो कितनी बड़ी अमाउंट क्रिएट हो रही है। सेम अमाउंट है, बस फंड चेंजेस है और रिटर्न का यहाँ पे एक ज़बरदस्त लफड़ा है दोस्तों। ये आपको चेक करना है कि किस में आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, ये आपको बहुत ट्रैक करना है दोस्तों, कंटिन्यूसली अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक करते रहना है। ऐसा नहीं है आप इन्वेस्ट किए अगले 6 महीने में ही आप यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ स्विच कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 5 साल होने दीजिए, आप किसी भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल में आपको लगातार समझ में आएगा कि इसी कैटेगरी में सबसे टॉप पे कौन सा फंड चल रहा है। अभी स्मॉल कैप में निप्पॉन आगे था, अभी क्वांट आगे निकला है दोस्तों, तो अगले 5 साल तक ट्रैक करते रहिए, 5 साल तक क्वांट अच्छे देता है क्या, तो आप अपना पैसा किसी और फंड से निकाल के क्वांट में डाल सकते हो। अभी लॉन्ग टर्म का फंड का रिटर्न देखोगे तो स्मॉल कैप में निप्पॉन एक नंबर पे था, फिर SBI आ गया, फिर ऐसे चेंज होते रहता है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म रन का चेक करना है दोस्तों। अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इनका AUM देखिए 16,000 करोड़ का AUM है अभी भी आज की डेट में, और आगे भी ये फंड रिटर्न जरूर देगा और अच्छे रिटर्न देगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, 1993 में स्टार्ट हुआ है, 8,363 करोड़ का AUM है, इन्वेस्टेड अमाउंट सेम 15 लाख रुपीज़ और करंट वैल्यू देखिए 3,34,00,000 रुपीज़ और यहाँ पे 4,28,00,000 रुपीज़, लगभग 1 करोड़ का डिफरेंस हो गया दोस्तों 1% के रिटर्न से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फंड भी 20.48% के रिटर्न दे रहा है और ये 21.99, तो लगभग 1.5% का डिफरेंस है, और 1.5% में यहाँ पे 1 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों, आपकी अमाउंट में फाइनल अमाउंट में लगभग 1 करोड़ का डिफरेंस है, 1.5% के रिटर्न से यहाँ पे 1 करोड़ का आपका लॉस हो रहा है। तो फंड सिलेक्शन में आप गलती मत कीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और यहाँ पे आपको बहुत कॉशियसली, क्योंकि आपका पैसा है आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको रिटर्न मिलने चाहिए दोस्तों, ऐसा मुझे तो लगता है। तो आप रिटर्न कमाओ मार्केट से, अपना भी कुछ दिमाग लगाओ, आपको लगता है ये फंड अच्छा करेगा, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में, जैसे इस साल बना भी, इस साल पिछले साल कोविड में जिसने भी इन्वेस्ट किया है वो 1 साल में पैसा डबल करके घर गए दोस्तों, इतना यहाँ पे लोग यहाँ पे कोविड से ही आना स्टार्ट हो चुके, उनको पता चला यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए टारूस डिस्कवरी मिड कैप फंड, ये भी 1994 से स्टार्ट हुआ है और इसका बहुत कम है, 88 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज है, तो ये छोड़ दीजिए इसको अभी आप। और अभी देखिए शॉर्ट टर्म में कौन से फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं लार्ज कैप में, आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 1 साल में 22%, 3 साल में 29% और 5 साल में दे रहा है 14% के रिटर्न। HDFC टॉप 100 फंड, आप देख सकते हो दोस्तों ये दोनों फंड यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है लार्ज कैप में और 25 साल से अच्छे रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों, 1 साल में 19.3%, 3 साल में 25% और 5 साल में 12.9%। ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड 1 साल में 18.3%, 3 साल में 24.4% और 5 साल में 13.38% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट अभी मिड कैप में देखिए क्वांट मिड कैप फंड 1 साल में 21.7%, 3 साल में 37.6% और 5 साल में 21.21%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 1 साल में 24%, 3 साल में 37% और 5 साल में 17.3%। नेक्स्ट देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 1 साल में 30%, 3 साल में 35% और 5 साल में 16.5% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ELSS फंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स सेविंग फंड है दोस्तों ये, तो कौन टैक्स प्लान 1 साल में 15.4%, 3 साल में 36.7% और 5 साल में 23% के रिटर्न दे रहा है। बंधन टैक्स एडवांटेज फंड 1 साल में 20%, 3 साल में 32% और 5 साल में 15.27% के रिटर्न दे रहा है।
और फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स सेविंग फंड यहाँ पे 1 साल में 19%, 3 साल में 27% और 5 साल में 12% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और अभी मल्टी कैप फंड में देखिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 1 साल में 28%, 3 साल में 38%, 5 साल में 16.7%। क्वांट एक्टिव फंड 1 साल में 16%, 3 साल में 33, 5 साल में 21। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। और महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप फंड 1 साल में 19%, 3 साल में 29% और 5 साल में 17% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ये लेटेस्ट डेटा कल कल अपडेट होता है दोस्तों, आज का अपडेट नहीं रहता है, कल का जो अपडेट है उस अपडेट के हिसाब से ये फंड इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं दोस्तों। अभी लार्ज कैप दिखाया, मिड कैप दिखाया, मल्टी कैप दिखाया, तो ऐसे आपको यहाँ पे चेक करते रहना है कौन से फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। और सेक्टरल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में देखोगे तो निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 22% के रिटर्न दे रहा है 1 साल में, 3 साल में 33 और 5 साल में 10% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में जाओगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं है इसमें। सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज 1 साल में 25%, 3 साल में 28% और 5 साल में 13.5%। और नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट आदित्य बिरला सनलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल 1 साल में 23%, 3 साल में 27% और 5 साल में यहाँ पे 9% के रिटर्न दे रहा है। 10, 9, ये कुछ भी रिटर्न नहीं है दोस्तों 5 साल में, क्योंकि हमें यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस रेशियो देना है, यहाँ पे हमें एग्जिट लोड देना है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इतना सब देने के बाद हमें क्या बचेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे 10% रिटर्न मिल रहे हैं, हम आते क्यों हैं म्यूचुअल फंड में कि हमें अच्छे रिटर्न मिले? अगर इतने रिटर्न मिल रहे तो हम आना क्यों है म्यूचुअल फंड में? फिर अपना पैसा एकदम सेफ रहेगा एफडी में, तो यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न के लिए आते हैं हम। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है, कौन से फंड अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आगे चल के, तो ऐसे फंड आपको पकड़ने हैं दोस्तों। मैंने बहुत बार बताया दोस्तों आपको, अभी यहाँ पे मैंने अलग अलग सेक्टर वाइज फंड भी दिखाए, ईवी में कौन सा फंड अच्छा काम कर रहा है, फिर यहाँ पे डिफेंस में कौन सा फंड है, माइक्रो कैप में भी आ चुका है अभी फंड, तो ऐसे आपको चेक करना है फ्यूचर में कौन से फंड आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है ब्लाइंडली गए कोई भी फंड यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट किया इन्वेस्ट करते रहिए, ऐसे नहीं करना है। आपको भी खुद थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है यहाँ पे, आपका भी कुछ दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं है बस यहाँ पे आपने वीडियो देख लिया तो आप लगा दिए पैसे, मगर आपको यहाँ पे पेशेंस भी दिखाना है, अगर मार्केट गिरता है तो लमसम भी लगाना है, तो ये सब कुछ आपको करना है दोस्तों। खुद करोगे तभी आप अच्छे रिटर्न बना पाओगे दोस्तों लॉन्ग टर्म में, तो ये जरूर याद रखना दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।